नई जंग डॉक्टरों के संग। जी आज तक ये मुहिम चला रहा है और डॉक्टर से हम जानने पूछने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस नई जंग से किस तरीके से निपटा जाए। कोरोना के खतरे लगातार है और आज तक पर सुबह से लेकर हम अभी तक आपको तमाम उन डॉक्टर से मिलवा रहे हैं जो समाधान यानी रास्ता भी आपको बताएंगे। तो इस एक घंटे हम बताएंगे कि आखिर टेस्टिंग को लेकर किस तरह के चैलेंजेस अब डॉक्टर्स के सामने है, क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है कि कोरोना का वायरस आरटीपीसीआर टेस्ट को भी चकमा दे रहा है और इस नए खतरे पर हम डॉक्टर्स के एक पैनल से बातचीत करेंगे। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। टेस्ट के नतीजे भी फेल होते जा रहे हैं। कोरोना वायरस छुपा हुआ बहरूपिया है, इसके नए नए स्ट्रेन लोगों को धराशायी कर रहे हैं, वो भी चुपचाप। वायरस शरीर में है लेकिन टेस्ट नेगेटिव आ रहा है। आरटीपीसीआर टेस्ट भी अब 100% भरोसेमंद नहीं रहा। कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित है या नहीं ये पकड़ने के लिए पहले एंटीजन टेस्ट करवाया जाता है, जिससे ये अंदाजा मिल जाता है कि कोई व्यक्ति वायरस के संपर्क में आया या नहीं। लेकिन इसके नतीजे पर निश्चिंत नहीं हो सकते, इसीलिए इस पर भरोसा कम था। लेकिन आरटीपीसीआर टेस्ट को फाइनल नतीजा माना जा रहा था। हालांकि अब आरटीपीसीआर टेस्ट भी अंतिम कसौटी नहीं है। आरटीपीसीआर टेस्ट के नतीजे 20% तक गलत साबित हो रहे हैं, यानी हर 5 में से एक व्यक्ति का टेस्ट रिजल्ट सही नहीं है। आरटीपीसीआर शुरू से ही कोई 70% एक्यूरेट है, 30% फॉल्स नेगेटिव दिखाता है। और अगर एक गिवन क्लिनिकल कॉन्टेक्स्ट में हमें लगता है कोविड है और पीसीआर नेगेटिव आता है, तब भी हमें उसको एज कोविड ही ट्रीट करना चाहिए, स्पेशली जबकि इतना बवाल हो रखा है, केसेस इतने बढ़ रहे हैं, चरम सीमा पे जा रहे हैं। सवाल ये है कि टेस्ट में वायरस पकड़ में क्यों नहीं आ रहा, तो जवाब में इसकी कई वजह है। वायरस नाक या गले में मौजूद ना हो तो नतीजा सही नहीं आएगा। अगर वायरस लोड यानी वायरस की संख्या ज्यादा नहीं थी तो भी नतीजा सही नहीं आएगा। गले या नाक की जगह वायरस का इन्फेक्शन सीधे फेफड़ों में हो तो भी सही नतीजा मिलना मुश्किल है। और इन सारे कारणों की जड़ है वायरस का म्यूटेशन यानी रूप बदलना। रैपिड टेस्ट के अंदर आपका नेगेटिव तो आता ही है, रैपिड में अगर आप सिम्टोमेटिक है तो आपको आरटीपीसीआर से उसको फॉलो अप करना है। सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है इसके अंदर रीटेस्टिंग, कि एक बार वो नेगेटिव आ गया और उसके बाद हम सिम्टोमेटिक भी है या हम स्ट्रॉन्गली किसी पॉजिटिव पेशेंट के कॉन्टेक्ट में आए हैं, तो हमें दोबारा 2 दिन बाद, जैसे और भी डॉक्टर साहब ने सबने बताया, उसको फॉलो अप जरूर करना है। इस नई मुसीबत को एक उदाहरण से समझ लीजिए। मरीज को बुखार, खांसी और सांस फूलने जैसी समस्याएं थी, लेकिन रिपोर्ट नेगेटिव थी। बाद में डॉक्टर्स ने मरीज का सीटी स्कैन किया तो फेफड़ों में वायरस की मौजूदगी के निशान दिखे। ऐसे में अगर मरीज जागरूक ना हो और गहरी जांच ना कराए तो वो कोरोना वायरस का सुपर स्प्रेडर बन जाता है। यही कोरोना के इस संकट का दौर है। आज तक ब्यूरो। 3 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय फिर चर्चा करेंगे। डॉक्टर नवीन डंग हमारे साथ है, कंसल्टेंट है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, फाउंडर ऑफ डॉक्टर डंग्स लैब। और इसके अलावा डॉक्टर हर्ष महाजन हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं महाजन इमेजिंग से। और इसके अलावा डॉक्टर समीर भाटी भी हमारे साथ हैं, ये डायरेक्टर हैं स्टार इमेजिंग के। सबसे पहले डॉक्टर डंग मैं आपके पास आना चाहूंगी, ये एक सबसे बड़ा चैलेंज अगर हम दूसरे इस स्ट्रेन की बात करें, वायरस पकड़ में ही नहीं आ रहा है, ये एक बड़ा चैलेंज है। ऐसे है कि ऐसा नहीं कि वायरस पकड़ में नहीं आ रहा है, ये समस्या तो एक साल पहले भी थी। जैसे भी कहा गया है कि द एनालिटिकल सेंसिटिविटी ऑफ द टेस्ट, जो कि टेस्ट करने की हमारी सेंसिटिविटी है, हमेशा से ही 70% के करीब थी और उतनी ही है। ये एक आरटीपीसीआर का हमेशा ही एक लिमिटेशन रही है। जब भी हम कहते हैं कि अगर एक बार टेस्ट नेगेटिव आता है तो जरूरी नहीं कि उस समय नेगेटिव हो, और अगर हम सस्पेक्ट करते हैं कि उसके क्लिनिकली लग रहा है कि वो कोविड वायरस से पीड़ित है तो उसको एक बार टेस्ट दोबारा और कराना ही चाहिए। और दूसरा आपने कहा कि आजकल एक और समस्या हो गई है
कि लोग हिस्ट्री ऑफ कॉन्टैक्ट होते ही अपना टेस्ट कराने पहुंच जाते हैं, उनको समझाया जाता है कि कुछ समय दें उसके बाद टेस्ट कराएं। तीसरी बात है कि कभी कभी जब सैंपल लिया जाता है वो भी एडिक्वेटली नहीं लिया जा पाता है, इस करके कई बारी सेंसिटिविटी और कम हो जाती है और 70% से भी कम हो जाती है, इसलिए टेस्ट आर मिस्ड आउट। लेकिन हाँ, आपका कहना ठीक है कि म्यूटेटेड वायरसेस भी आ रहे हैं, लेकिन अभी तक जो हमारे पास किट्स हैं जो हम यूज कर रहे हैं उसमें जितने भी म्यूटेशंस हैं वी आर एबल टू, उनको हम उस टेस्ट के जरिए पकड़ पाते हैं। लेकिन अगर फिर भी अगर आशंका रहे, क्लिनिकली ऐसा रहे, देन अल्टीमेटली ये होता है कि क्लिनिशियन सजेस्ट करता है ऑफर चेस्ट सीटी कराने के लिए। अगर सीटी में भी सिम्टम्स आए तो दैट इज कंक्लूसिव। एक बात प्लीज मैं दोबारा कहना चाहूंगा कि हम रिपोर्ट को ट्रीट नहीं कर रहे हैं, हम पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं। अगर पेशेंट को सिम्टम्स लगते हैं तो अवश्य ही इसमें उसकी सीटी करानी चाहिए, एंड उसमें अगर आए तो अगर फिर दोबारा टेस्ट करें, अगर टेस्ट में पॉजिटिव नहीं भी आता देन ऑल्सो हमें उसका ट्रीटमेंट अवश्य ही करना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर रंग के बाद मैं डॉक्टर महाजन आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि एक चीज उन्होंने कही है कि जब हम किसी पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो हम तुरंत से टेस्ट के लिए नहीं जाएं, तो ऐसे में सवाल यह है कि इंतजार कितना करना चाहिए और भरोसा कितना हो, फिर कितने दिन बाद टेस्टिंग के लिए जाना चाहिए? डॉक्टर डैंग ने बिल्कुल सही बोला है, क्योंकि जब हम कॉन्टैक्ट में आते हैं और हमें इन्फेक्शन अगर हो भी जाता है तो उसका एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है जो कि कोरोना के संदर्भ में 2 से 14 दिन का है और एवरेज 5 दिन है। तो जल्दी से जल्दी अगर सिम्टम हो गए तो अलग बात है, पर अगर सिम्टम नहीं हुए हैं तो हमें 5वें या 6ठे दिन टेस्ट कराना चाहिए आफ्टर कॉन्टैक्ट। उससे जल्दी हम कराएंगे तो इन्फेक्शन अगर हो भी रहा है, पनप रहा है हमारी बॉडी में, तब भी RT-PCR नेगेटिव आएगा। जी डॉक्टर भाटी, कई बार और आजकल तो बहुत सारे केसेस में ये देखा जा रहा है कि आप टेस्ट के लिए जाते हैं, चाहे सबसे पहले तो एंटीजन टेस्ट के लिए जाते हैं या फिर अगर आप RT-PCR के लिए जाते हैं, रिपोर्ट से पहले ही गंभीर सिम्टम्स और उसके बाद बहुत सारे लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, रिपोर्ट आने से पहले ये हाल है। देखिए, इसमें एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी हम जो देख रहे हैं सेकेंड वेव, या अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की तो इसको फोर्थ वेव कह सकते हैं, और अगर हम कंपैरिजन करें थोड़ा इस बार जैसे सबसे ज्यादा बात की जा रही है जो हमारे वेरिएंट ऑफ कंसर्न है कि भाई ये नया म्यूटेंट तो नहीं है जो इसमें डिटेक्ट नहीं हो रहा RT-PCR में, ऐसा बहुत ज्यादा तो नहीं है। देखिए, आपको मैं बताता हूँ, जो जीनोम सीक्वेंसिंग जो होती है फर्दर ये देखने के लिए कि नया वेरिएंट है कि नहीं, इसके लिए भी हम ऑलरेडी जो हमारे पॉजिटिव सैंपल्स होते हैं उन्हीं को भेजते हैं। जो पॉजिटिव सैंपल है उनमें से 5% सैंपल्स जाते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए, उसमें फिर फर्दर पता लगता है कि भाई यूके वेरिएंट ज्यादा आ रहा है इधर, या जो डबल म्यूटेंट की हम बात कर रहे हैं वो ज्यादा आ रहा है। तो पहली बात एक ये, दूसरा इसमें अभी जो आ रहे हैं काफी सारे पेशेंट्स जो लेट आते हैं जैसा आपने बताया सिम्टम्स को करके, उसमें काफी सारी कैटेगरी ऐसी भी देखी जा रही है, उनसे पूछते हैं तो बताते हैं कि हमारा फर्स्ट वैक्सीन हुआ या सेकेंड हुआ, तो उनको वैक्सीन के बाद भी जो हल्के फुल्के कई बार सिम्टम होते हैं तो उसको लोग कई बार इग्नोर कर देते हैं कि ये मेरे को पोस्ट वैक्सीन वाले जो सिम्टम है हल्का फुल्का जो फीवर होना और ये होना, और उसको इग्नोर करते रहते हैं और काफी लेट तक पहुंचते हैं। और जैसा जिस तरह से बताया डॉक्टर डैंग ने भी, डॉक्टर महाजन ने भी, कि उसके बाद फिर सीटी स्कैन और ये कराते हैं तो उसमें उनको काफी गंभीर निमोनाइटिस और ये सब चीजें डायग्नोस्ड होती है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि सिम्टम आते ही आपको इमिडिएटली टेस्ट तो कराना ही कराना है, मतलब सिम्टम आने के बाद फिर आपको वेट नहीं करना। हाँ, किसी पॉजिटिव कॉन्टैक्ट के पर्सन में उसमें आए उसके बाद आप 5 to 6 days आप वेट करके अपना टेस्ट करा सकते हैं, बट सिम्टम आते ही इमिडिएटली टेस्ट कराना है, क्योंकि इस बार जो कोविड निमोनाइटिस है वो काफी ज्यादा आ रहा है। मतलब हम सोच रहे थे शायद वो विंटर्स में रेस्पिरेटरी जो है काफी प्रॉब्लम बढ़ेगी, बट अभी जो देखा जा रहा है इस समय भी जो है कोविड निमोनिया काफी ज्यादा देखा जा रहा है सीटी स्कैन के अंदर। बिल्कुल डॉक्टर डैंग, एक और बड़ी बात है जो सबसे बड़ा चैलेंज भी है, परेशानी की बात भी है, कि अगर कोई व्यक्ति किसी पॉजिटिव के संपर्क में आता है, बहुत बार लक्षण भी नहीं है, जिसको कई बार हम एसिम्प्टोमेटिक कह देते हैं, आपको किसी तरह की कोई परेशानी है ही नहीं, तो ऐसे में भी बहुत मुश्किल हो जाता है इससे क्योर करना। बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन इसका हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर कुछ कॉन्टैक्ट में आए हैं कि सिम्टोमेटिक पेशेंट के और तुम्हें पता है कि ये पेशेंट कोविड पॉजिटिव है, जैसे डॉक्टर महाजन ने कहा कि एक बारी 5 दिन के बाद टेस्ट कम से कम 5-6 दिन के बाद अवश्य करा के देखना चाहिए कि उनको भी इन्फेक्शन तो नहीं हो गई है। दो चीजें होती है, क्या इन्फेक्शन, एक है डिजीज। इन्फेक्शन बहुत लोगों को हो जाती है विदाउट एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम द डिजीज,
और वो होते हैं जो कि आगे जाके पेशेंट स्प्रेड कर सकते हैं। फिर मैं कहूंगा कि एक ये नया वायरस है, हर महीने हर दिन हमें नई नई चीजें सीखने को मिल रही हैं, इसलिए हम कोई नहीं कह सकता, हम में से कोई भी नहीं कह सकता कि हमें कितनी सर्टेनिटी से कौन सा पेशेंट किसको क्या पास कर रहा है। अभी तक जो भी है सब के सब फ्रीक्वेंटली प्रोटोकॉल बदलते जा रहे हैं, लेकिन आपने ठीक कहा, अगर सिम्टम नहीं है तो ज्यादा ही खतरे की बात है, लेकिन अगर पता हो कि वी हैव कम इन कॉन्टैक्ट विद अ कोविड पॉजिटिव पेशेंट तो 5-6 दिन के बाद एक बार टेस्ट अवश्य कराए ही लेना चाहिए। ऑन अ सेफर साइड। डॉक्टर महाजन, बड़ी बात देखिए यहाँ पर यह भी है कि एक बहुत अच्छी बात डॉक्टर डैंग कह रहे हैं कि अगर आप किसी पॉजिटिव के संपर्क में आते हैं, भले ही आपको सिम्टम्स नहीं हो, लेकिन आप जाइए, कम से कम टेस्ट तो करा लीजिए। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह भी है कि इस चेन को तोड़ना बहुत जरूरी होगा, उसके लिए क्या लगता है? उसके लिए देखिए उपाय तो वही है जो हम एक साल से देख रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप किसी पॉजिटिव के कांटेक्ट में नहीं आइए, और अगर गलती से आप कांटेक्ट में आ भी गए हैं तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए। प्रोटेक्ट करने का सबसे बेस्ट जो तरीका है और सबसे आसान तरीका है वो है मास्क। अब तो नई स्टडी भी आ गई लैंसेट की जो कहती है कि ये एयरबोन ट्रांसमिशन है, ये हवा के जरिए ही ट्रांसमिट होता है ज्यादातर, ये ड्रॉपलेट क्योंकि पास ही गिर जाते हैं अनलेस आपके मुंह पे ही कोई छींक दे या खांस दे या आप बहुत पास हो और बात करें तो एयर ड्रॉपलेट से होता है, नहीं तो ये वायरस जो है ये हवा में है, हवा में फैलता है। तो उसको रोकने का एक ही तरीका है, वो है मास्क। समाओ जब मास्क मिलते नहीं थे पिछले मार्च अप्रैल, जब 250-300-500 रुपए में N95 मास्क लेना चाहते थे और मिलते नहीं थे, आज की डेट में वही N95 मास्क देश में बन रहा है, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, 20-25 रुपए में मास्क मिल रहा है, तो आप देख रहे हैं कि लोग मास्क नहीं डालते। मास्क नहीं डालेंगे और अगर आप अंदर बंद कमरों में हैं तो कोरोना आपको होगा ही होगा। और अब ये लग रहा है कि शायद ये नई वैरायटी है, म्यूटेंट वैरायटी है, कुछ परसेंटेज 20-25% तो वाकई ये वो डबल म्यूटेंट वैरायटी है, जैसा कि CSIR ने बताया है जीनोम सीक्वेंसिंग करने के बाद, और ये लगता है ये ज़्यादा इन्फेक्शस है, इसमें क्षमता इन्फेक्ट करने की ज़्यादा है। तो सिंपल सी चीज है, मास्क डालिए, मास्क भी अच्छा डालिए, अगर N95 मास्क मिल पाए जो कि बहुत सस्ता हो गया है तो वो डालिए, नहीं तो सर्जिकल मास्क डालिए, सर्जिकल मास्क तो अब 3-4 रुपए में मिल रहे हैं। क्लॉथ मास्क भी अगर किसी के पास है तो जरूर डालिए, पर वो इतना इफेक्टिव नहीं है। क्लॉथ मास्क है तो उसकी भी 3-4 लेयर बना लेंगे अगर, तो वो ज्यादा आपको प्रोटेक्ट करेगा। और बाकी हम जानते हैं हाथ धोने हैं, सैनिटाइज करने हैं और डिस्टेंस मेंटेन करना है। अगर किसी को मिलना भी है, अगर आप खुले में मिल सकते हैं तो खुले में ट्रांसमिशन का चांस कम है, बंद कमरों में ट्रांसमिशन का चांस अधिक है। ये अगर हम अपना लें, और एंड में मैं कहूँगा हम लॉकडाउन की बात करते हैं, गवर्नमेंट घबराती लॉकडाउन करने में, इकोनॉमिक लॉस होता है, पर अगर हम सेल्फ लॉकडाउन कर लें, जो ज्यादा खतरे में है वो अपने आप को अपनी सेफ्टी देखें, सेल्फ लॉकडाउन कर लें, घर में रहें, बाहर तभी जाएं जब बहुत जरूरी है, और जब भी जाएं मास्क डाल के जाएं, सारी प्रिकॉशंस आप फॉलो करें तो आप बच सकते हैं। यहां मैं उदाहरण दूंगा उन डॉक्टरों का, उन नर्सों का, उन हेल्थ केयर वर्कर्स का जो कि कोविड हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, कोविड वार्ड्स में है, कोविड आईसीयूज में है। उसमें ये नहीं है कि एक साल बाद भी सबको कोविड हो गया, नहीं हुआ, बहुत तादाद में वो लोग बचे हुए हैं, और वो बचे इसीलिए हैं कि उन्होंने मास्क डाला और सारी प्रिकॉशन ली। सो कोविड एनवायरनमेंट में अगर आप बच सकते हैं कोविड से मास्क डालने के कारण, तो बाहर जो सामान्य एनवायरनमेंट है जहां 10 में से हो सकता है एक आदमी को कोविड हो, तो आप बच सकते हैं। दूसरी बहुत अहम बात है कि आपके सामने जो व्यक्ति है जिससे आप बात कर रहे हैं, ये देखिए कि वो भी जरूर मास्क डाले।
जब मैं मास्क डालता हूं अपने आप को तो बचाता ही हूं, पर इवन एक सर्जिकल मास्क जो है वो ट्रांसमिशन को 90% से 95% कम कर देता है। तो अगर जी मैंने मास्क डाला है, मैं अपने आप को तो बचा ही रहा हूं, हाँ मैं अपने सामने वाले को बचा रहा हूं, बिल्कुल और 90-95% अगर ट्रांसमिशन कम हो जाएगा सामने वाला से और मैंने खुद मास्क डाला हुआ है तो इन्फेक्शन होने का चांस बहुत कम है। बहुत बहुत यहां शुक्रिया पे जी 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 डॉक्टर यहां मैं महाजन। एक और हाँ मुद्दा प्लीज लेना ऐड ऑन चाहता कीजिए हूं, जी। एक और मुद्दा छोटा सा, जिसमें कि आपने कहा कि ये म्यूटेंट वायरस आरटीपीसीआर में मिस हो रहे हैं, इस जो एक धारणा हो गई है इसको मैं खंडित करना चाहता हूं कि ये सारे जो म्यूटेंट वायरस हमें रेकग्नाइज किए हैं, हमने म्यूटेशंस को पाया है, ये उन्हीं सैंपल में पाया है जो कि आरटीपीसीआर से पॉजिटिव निकले हैं। तो ये बिल्कुल गलत बात है कि म्यूटेंट वायरस जो हैं वो आज के जो आरटीपीसीआर किट्स हैं उनमें मिस हो रहे हैं, वो मिस नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर महाजन, डॉक्टर डंग, डॉक्टर भाटी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मास्क जरूरी है। अब ऐसे में देखिए डॉक्टर्स ये भी कह रहे हैं कि मास्क भी अब आपको एक नहीं कम से कम लेयरिंग करनी होगी आपको मास्क की, तभी इससे बचा जा सकता है। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक। तो कोरोना का नया खेल जिस तरीके से लैब टेस्टिंग में भी कई मामले क्लियरली सामने नहीं आ रहे हैं, उससे और ज्यादा दहशत फैल गई। इस बीच हालात देख लीजिए क्या है, खासतौर पर दिल्ली की बात करें, 16, 15, 14, 13, 12 यानी सिलसिलेवार तरीके से 12 अप्रैल से लेकर अभी तक का हाल हम आपको बता रहे हैं। 12 अप्रैल को जहां 11,000 के करीब मामले थे, अब देखिए आज की तारीख में 19,000 से भी ज्यादा मामले, दिल्ली में 141 मौत। अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि किस तरीके से वायरस लगातार फैलता जा रहा है। तो दिल्ली का हाल, लगातार बढ़ते मामले, 12 अप्रैल 11,491 केसेस थे, लेकिन ये बढ़ते बढ़ते किस तरीके से अगले दिन 13, 17, 16 और फिर 19,000 के भी पार पहुंच चुके हैं मामले। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।